परमेश्वर की इच्छा यही है कि जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है उस पर आप अधिकार ले ले। परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप दुष्ट आत्मा को निकाले, आप बीमारों पर हाथ रखे और बीमार चंगे हो जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये नई वाचा है। यीशु जैसे जी उठा और जैसे ये नई वाचा सक्रिय होगी, उसने कहा तुम जाओ और प्रचार करो और ये सारी बातें होगी क्योंकि अब तुम अलग व्यक्ति हो। मैंने तुम्हारे पाप दूर किए हैं, तुम्हें नया बनाया है। तुम मेरे नाम में जाओ, मेरे नाम का उपयोग करो और ये सारे काम करो। The water so long it after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee as the deer, as the deer. And it falls, the waters of my soul long it after thee. So long after you, Lord. You alone are my heart's desire. You alone belong to worship you. शैतान का काम, शैतान की उपस्थिति, दुष्ट आत्मा की ओर से परेशानी आप यीशु के नाम में से निकाल सकते हैं। आपको एक और इवेंजलिस्ट नहीं चाहिए, आपको परमेश्वर का वरदान पाया दास नहीं चाहिए, आपको किसी का द्वार खटखटाने की जरूरत नहीं, किसी पोस्ट कार्ड भेजने की जरूरत नहीं, आपको और कहीं छुटकारा पाने के लिए लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आप ले सकते हैं केवल उसके नाम का उपयोग करने से। मेरे नाम में तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। ये सच्चा विश्वासी है। देखिए, लोग तो ये कहते हैं कि खैर भाई मेरे साथ ही कैसे होगा, क्योंकि आपने कभी ऐसा नहीं किया है। ऐसे करने की कोशिश क्यों नहीं करते? दुष्ट आत्मा को निकाले, वो भाग जाएगी। यीशु के नाम को कहें। बहुत से विश्वासियों ने कभी यीशु के नाम को नहीं लिया है। देखिए, और वो नई नई भाषाएं बोलेंगे। देखिए, ये तो पेंटिकॉस्ट के दिन हुआ था और उसके बाद में तब से ये होते आ रहा है। और वो सांपों को उठा लेंगे। अब जाकर आप सांप को उठाने की कोशिश मत कीजिए कि इसे दिखाएं। बाइबल मूर्खता से भरी नहीं है, ये बस कह रही है कि कैसे। देखिए, पौलुस जानते हैं, वो एक टापू पर आया वो आग जला रहे थे और पॉलूस ने लकड़ी की गठरी उठाकर आग में फेंक दी। मतलब उसने वहां पर कुछ लकड़ी का गट्ठा उठाया और सांप ने उससे काट लिया। लोग उसे देख रहे थे। उन्होंने देखा कौन सा सांप है और उन्होंने सोचा कि यह मनुष्य तो जरूर मर जाएगा। यदि ये सांप किसी को काटे तो आदमी मर जाएगा, खत्म हो जाएंगे। तो वो राह देख रहे थे कि वो गिरकर मर जाएगा। लेकिन पॉलुस ठीक था और इससे भी बढ़कर वो दूसरे लोगों को चंगाई देते फिरा मरने के बजाय। तो कुछ समय बाद उन्होंने सोचा ये परमेश्वर है। क्योंकि ये सांप कुछ भी नहीं कर पाया तो सोचा कि ये जरूर परमेश्वर होगा। देखिए, ये ऐसी घटनाओं के बारे में बता रहा है जो हुई हैं और जो अभी भी हो रही हैं, और ये आपके साथ भी होगी अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो विश्वास करती हैं। ठीक है, तो जाकर आप सांप मत पकड़िए ये कहते हुए कि देखो मैंने सांप पकड़ लिया है। नहीं, वो सांपों को उठा लेंगे और अगर कोई नाशक वस्तु भी पी जाए तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, आपको यह भी करने की कोशिश नहीं करनी है हाँ कि जहर पीकर दिखाए कि मुझे कुछ भी नहीं होता है। नहीं, देखिए, मैंने बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनी हैं, पढ़ी हैं, जहां पर लोगों ने किसी को मारने की कोशिश की थी और उसने काम नहीं किया जब वो विश्वास कर रहे थे। जानते हैं, परमेश्वर सारे जहरीली चीजों को खत्म कर सकता है, उन्हें शून्य कर सकता है अगर आप विश्वास करें। कोई भी किसी तरह से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाइबल ये कहती है, ये इसी के बारे में कह रही है। देखिए, बाइबल बहुत ही सामर्थी है, परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है। हमें इसे बस हल्के रूप में नहीं लेना है। और फिर ये कहता है कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगी होगी। ये चिन्ह उनके साथ होंगे जो विश्वास करते हैं कि ये चिन्ह होंगे। ठीक है, अगर आप विश्वास करेंगे ये होंगे तो ये जरूर होंगे। लेकिन समस्या कि बहुत से लोगों ने विश्वास नहीं किया कि ये चिन्ह होंगे। इसके बजाय उन्होंने क्या किया, कुछ विश्वास नहीं किया, इसलिए कुछ भी नहीं होता है। उनके साथ कोई चिन्ह नहीं होते हैं। और फिर वो कहते हैं खैर जो भी प्रभु की इच्छा हो भाई वही हो जाए। देखिए, यही तो परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप दुष्ट आत्माओं को निकालें। परमेश्वर की इच्छा यही है कि जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है उस पर आप अधिकार ले ले। परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप दुष्ट आत्मा को निकालें, आप बीमारों पर हाथ रखें और बीमार चंगे हो जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये नई वाचा है। यीशु जैसे जी उठा और जैसे ये नई वाचा सक्रिय होगी उसने कहा तुम जाओ और प्रचार करो और ये सारी बातें होगी क्योंकि अब तुम अलग व्यक्ति हो। मैंने तुम्हारे पाप दूर किए हैं, तुम्हें नया बनाया है। तुम मेरे नाम में जाओ, मेरे नाम का उपयोग करो और ये सारे काम करो। अब अगला वचन देखिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बताता है कि उन्होंने सच में जाकर इसे कैसे किया। वो बस ऐसे घर नहीं चले गए और भूल जाइए कि उसने क्या कहा है। वचन 19 कहता है कि प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर, अब देखिए, जैसे उसने उनसे कहा और वो स्वर्ग में उठाया गया और वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और ये लोग चल पड़े, हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। वचन को वो दृढ़ करता रहा। आमेन, ये कहता है, इस तरह खत्म करता है। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। उन्होंने हर जगह जाकर प्रचार किया। इसका मतलब यीशु ने कहा था कि जाओ प्रचार करो और ये लोग जाकर वहां पर प्रचार करते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं वो अपेक्षा करते हैं कि ये चिन्ह उनके साथ में हो। और क्या हुआ, देखिए, प्रभु उनके साथ काम करता रहा और चिन्हों द्वारा वचन को दृढ़ करता रहा। अब आपकी बाइबल में देखिए दम शब्द तिरछी लिखावट में लिखा गया है। यदि इंग्लिश बाइबल में कुछ तिरछी लिखावट में लिखा है तो उसका मतलब बस यही है कि ये जो शब्द है ये तो असली भाषा में वहां पर नहीं आया है, ये असली भाषा में नहीं है। लेकिन अनुवादकों ने इन शब्दों को वहां पर रखा है कि आप इसे, जो ये कहता है, उसे अच्छे से समझ पाएं। इसके बिना इसे समझना मुश्किल होगा। वो सोचते हैं कि बस इस एक शब्द को जोड़ने से आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए वो एक शब्द जोड़ते हैं। आप तिरछी लिखावट अक्सर देखेंगे यहां, पूरी बाइबल में आप इसे देखेंगे क्योंकि ट्रांसलेटर्स ने यहां पर इसे जोड़ा है भाषा की समस्या के कारण, क्योंकि भाषा अपने आप में पूरी नहीं थी, इसलिए उन्होंने यहां पर कुछ और शब्दों को जोड़ा। कई बार ये तो बहुत मददगार रहा है क्योंकि ऐसे शब्द जो उन्होंने वहां पर जोड़े हैं मददगार रहे क्योंकि ये स्पष्ट करते हैं। लेकिन कई बार ये तो पूरे अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं। और यहां पर यह इसे घटाता है, या कहिए ये तो सच में इसके अर्थ को बदल देता है। क्योंकि यदि आप इस शब्द के बिना इसे पढ़े तो ये अच्छा है, अगर इस शब्द के बिना पढ़े तो ये सच में बहुत अच्छा है। चलिए इसे पढ़ते हैं। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और चिन्हों द्वारा वचन को दृढ़ करता रहा। यह शब्द अगर आप छोड़ दें और इसे न जोड़ें, क्योंकि असली भाषा में यह नहीं है। असल में यह कहता है परमेश्वर काम करता रहा और चिन्हों द्वारा वचन को दृढ़ करता रहा। यह एक शब्द अगर आप जोड़ देते हैं तो यह क्या करता है? यह ऐसे दिख रहा था कि परमेश्वर उनके साथ काम कर रहा था। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन बात यह है, जोर इस बात पर नहीं कि कैसे परमेश्वर लोगों के साथ में काम करता है, प्रभु अपने वचन से काम करता है। यदि लोग जाकर कुछ और प्रचार करते हैं तो फिर परमेश्वर वहां पर काम नहीं करता है। अगर आप वचन प्रचार करते हैं, अगर वचन प्रचार करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ काम करेगा। ठीक है, वचन के बिना वो काम नहीं करेगा। वो आपके लिए नहीं, लेकिन वचन के अनुसार काम करता है। वो ये नहीं कहेगा कि आप परमेश्वर के दास हैं, लेकिन वो ये साबित करेगा कि वचन सत्य है। और इसलिए हम ये बात समझना बहुत ही जरूरी है कि जो वचन है उसे पहली प्राथमिकता दे, नंबर 1 का स्थान दे हमारे जीवन में। वो वचन साबित करेगा। जब वचन प्रचार करेंगे तो चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम होंगे। जब वचन प्रचार करेंगे तो ये चिन्ह होंगे। लोग पूछते हैं, हाँ खैर आपके चर्च में केवल प्रचार होता है। हाँ, सैकड़ों लोग चमत्कार की गवाही दे रहे हैं। हमारे पास समय नहीं कि उन सभी को बोलने का मौका दे इन बातों के बारे में। बहुत से लोग चमत्कार के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा, प्राण, देह और धन में चमत्कार, परिवार के जीवन में और बहुत से तरीके से। बहुत से लोग, देखिए लोग क्यों आते हैं? यदि ये काम ना करे तो नहीं आएंगे। यदि ये व्यवहारिक नहीं तो वो नहीं आएंगे। अगर इसे नहीं ले सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते तो नहीं आएंगे। ये काम कर रहा है इसलिए वो आते हैं। देखिए सैकड़ों लोगों के जीवन में बहुत से चमत्कार हो रहे हैं। लोग तो सत्य का अनुभव कर रहे हैं कि ये सच में उनके जीवन में पूरा हो रहा है। ये इस कलीसिया की कहानी है। इसलिए वचन प्रचार पर मैं विश्वास करता हूं। हम दूसरे भी काम कर सकते हैं। मैं यहां पर रहकर आपको रुमाल भेज सकता हूं, अभिषिक्त कपड़ा। देखिए इसमें कुछ गलत नहीं है। आपके पास बाइबल वचन है, इसके लिए सबूत है और ये सब है। मैं सोचता हूं कि ये काम करेगा। और जानते हैं, मैं जाकर कई थान कपड़े लेकर आ सकता हूं, जानते हैं, और फिर मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करूंगा और इसके लिए मुझे एक अलग ऑफिस की जरूरत होगी और फिर अच्छे से पैक करना होगा और उसके लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद में हजारों लोग जो हमें पत्र लिखते हैं उन्हें हमें भेजना होगा। जब मैं उन्हें टेलीविजन पर यह बताऊंगा कि मैं आपको ये भेजना चाहता हूं और भेजता हूं, और निश्चय ही प्रभु का अभिषेक वहां पर है और ये कुछ स्तर पर काम करेगा। या मैं अभिषेक तेल भेज सकता हूं और ये भी काम करेगा, जानते हैं, या ऐसी ही चीजें। लेकिन कुछ भी जो लोगों को अपना विश्वास उपयोग करने लगाता है, ये काम करेगा। देखिए कई बार लोग इस तरह से कहते हैं, अगर मैं तेल लगाकर प्रार्थना करूं तो ये चंगे हो जाएंगे, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हें हो। देखिए अगर आप ये विश्वास करते हो तो आपके साथ यही होगा। लेकिन बाइबल हमेशा सबसे अच्छी और सबसे ऊंचे तरीके को सिखाती है। और कितने लोग सोचते हैं हमें सबसे उत्तम तरीका लेना चाहिए, हालांकि ये दूसरे तरीके ठीक हैं और इसमें सच में कुछ भी गलत नहीं है। हमें इसे प्रमोट नहीं करते जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सबसे उत्तम तरीका नहीं रखा। आपके बच्चों के जैसे आप उन्हें सबसे अच्छे तरीके से सिखाते हैं, नीचे तरीके से नहीं, जानते हैं, हल्के तरीके से। जो ऐसी बातें होती हैं आप तब करना चाहते हैं जब उन्हें जरूरत हो, लेकिन उससे जीना नहीं। आप उन्हें सबसे उत्तम तरीका सिखाना चाहते हैं, संभव तरीके से, सबसे अच्छा तरीका। और सबसे अच्छा तरीका तो वचन है। आप वचन का प्रचार करते हैं और ये चिन्ह वचन के साथ होगी। अब वचन प्रचार करना तो अद्भुत है, ये महान है। और इस तरह से, जानते हैं, मुझे यहां खड़े रहकर या बैठकर सभी पर हाथ रखने की जरूरत नहीं, जानते हैं, मुझे पूरे संसार में ऐसे जाने की जरूरत नहीं कि सबको स्पर्श करूं और उन्हें चंगाई दूं या इस तरह से, नहीं। मैं बस वचन प्रचार कर सकता हूं और वचन चंगाई देगा। वचन लोगों को आजाद करेगा। वचन छुटकारा लेकर आएगा। वचन आनंद और शांति लेकर आएगा। वचन इससे करेगा और परमेश्वर वचन को साबित करेगा। देखिए यदि आप वचन प्रचार करें तो चिन्ह निश्चय ही होगी, क्योंकि परमेश्वर वचन साबित करेगा। आमेन। तो उन्होंने जाकर प्रचार किया, प्रभु उनके साथ में था और वचन को साबित करता रहा। मुझे पसंद है। इससे अच्छा है प्रभु उनके साथ था। प्रभु उनके साथ काम नहीं कर रहा था, प्रभु वचन के साथ काम कर रहा था जो उन्होंने प्रचार किया। इसलिए इसका सही अनुवाद मैं चाहता हूं। ठीक है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 में चलें और चलिए वचन 12 पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वे काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। अब बहुत से लोग ये कहते हैं, देखिए ये संभव नहीं है। देखिए ये जो वचन है इस तरह से, ऐसा वचन है जो वहां पर बस लगा है। इसकी ओर ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये सच में संभव नहीं है। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि यीशु ने सब कुछ परमेश्वर के पुत्र के रूप में किया और हम परमेश्वर के पुत्र नहीं, वो परमेश्वर का पुत्र है, अलौकिक पुत्र है, मनुष्य रूप में आया और उसने ये सब कुछ काम किए। परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन बाइबल इस तरह से नहीं कहती कि पृथ्वी पर रहते हुए उसने जो भी काम किया वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में किए। उसने इसे किया ऐसे मनुष्य के रूप में जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है। बाइबल स्पष्ट कहती है, आप इसे देख लीजिए प्रेरित अध्याय 10 में, प्रेरित अध्याय 10 वचन 38 में यह कहता है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा, ये कहता है यीशु नासरी, खास करके यहां पर यीशु के बारे में बताता है और साथ में उसके नगर का नाम भी। हाँ, ये कहता है यीशु नासरी, उसकी मानवता यहां बताई गई है। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता, सब जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मैं आपसे कहता हूं कि यीशु ने ये काम किए, वो गया, बीमारों को चंगाई दी और लोगों को चंगाई दी और जो शैतान के छुड़ाए हुए थे उन्हें छुटकारा दिया और भलाई करते रहा, भलाई करते फिरा। इसलिए नहीं कि वो अलौकिक परमेश्वर का पुत्र है और पृथ्वी पर आए इसलिए वो कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और इससे बढ़कर वो कहता है परमेश्वर ने अभिषेक दिया यीशु नासरी को, नासरत के इस मनुष्य को। ये तो पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषिक्त था और इसलिए वो भलाई करते हुए फिरा और शैतान के सताए लोगों को छुटकारा दिया। और इसलिए बाइबल में आप कुछ इस तरह से नहीं पढ़ते हैं कि जब वो 5 साल का था उसने लोगों को बताया कि कैसे वो उड़ सकता है। यदि परमेश्वर के अलौकिक पुत्र के रूप में आया होता तो उन्हें बहुत से ट्रिक्स वो दिखाता और सारे बच्चों को चौंका देता था कि वो क्या क्या कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो पूरे अनंत काल से परमेश्वर का पुत्र था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। वो शुरू से वहां पर था। परमेश्वर का अलौकिक पुत्र था। जब वो इस संसार में आया तब भी पुत्र था और आज भी वो पुत्र है। लेकिन जब वो इस संसार में आया उसने सच्चाई को दूर रख दिया कि वो पुत्र है, और वो तो उस दृष्टिकोण से काम नहीं कर रहा था, वो इस तरह से काम नहीं कर रहा था। मनुष्य जैसे काम किया उसने। कैसे काम किया? कैसे मनुष्य के रूप में कोई चिन्ह चमत्कार करता है। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अभिषेक पाया था, परमेश्वर ने उसे बुलाया था, परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए मनुष्य ऐसे कर सका। ठीक है। निकोदेमुस ने यीशु से कहा परमेश्वर तेरे साथ है, कोई मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। परमेश्वर तेरे साथ है यानी मनुष्य ऐसे ही करता है। इसलिए यीशु को 30 साल की उम्र तक राह देखना पड़ा। जब तक कि वो 30 साल का ना हो जाए कोई चमत्कार लिखे नहीं गए हैं और कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं हुआ किसी तरह से चिन्ह या चमत्कार के द्वारा जो उसने किए, कुछ भी लिखा नहीं गया है जब तक कि उसने यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा न लिया और वहां पर पवित्र आत्मा उस पर आया कबूतर के रूप में और फिर वो गया और उसने सीधा अपना काम करना शुरू कर दिया। उसके द्वारा सामर्थी काम किए गए पवित्र आत्मा से सामर्थ्य प्राप्त करने के बाद में। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य के रूप में ये कर रहा था। जैसे मनुष्य से करता है परमेश्वर से सामर्थ पाकर वो भी इसे ऐसे ही करता है। परमेश्वर के रूप में करे तो प्रभु की सामर्थ नहीं चाहिए थी। यदि परमेश्वर के पुत्र के रूप में करता, चलिए स्पष्ट कह दूं, यदि परमेश्वर के पुत्र के रूप में करता तो उसे वहां पर उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत नहीं थी कि इसे करे। मनुष्य को पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए, इसलिए वो मनुष्य के रूप में अभी काम कर रहा था। उसने पुत्रत्व के अलौकिक अधिकार को अलग रखा। वो उसमें काम नहीं कर रहा था, मनुष्य रूप में काम कर रहा था। ठीक है। अब देखिए यहां पर, देखिए इन आधुनिक दिनों में ऐसे सेलफोन है जहां पर आप 2 सिम कार्ड उसमें लगा सकते हैं। ठीक है। आप एक से फोन कर सकते हैं या फिर आप दूसरे से फोन कर सकते हैं। 2 सेलफोन जैसे काम करता है। यहां पर एक व्यक्ति 2 अलग स्वभाव में था। परमेश्वर का अलौकिक पुत्र था, पूरा परमेश्वर था और मनुष्य था, यानी एक समय 2 in 1। हाँ, तो जब वो इस संसार में आया उसने मानवता को लिया तो मनुष्य के जैसे वो काम करता। यहां पर वो इसी तरह से काम करता, इसलिए 30 साल की उम्र तक उसे राह देखनी पड़ी। फिर उसने बपतिस्मा लिया और फिर पवित्र आत्मा आया, फिर उसने अपनी सेवकाई शुरू की। पवित्र आत्मा की सामर्थ से फिर वो जाता है, चंगाई देते रहा और शैतान के सताए गए सभी लोगों को उसने छुटकारा दिया, भलाई करते रहा। बाइबल स्पष्ट बताती है क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर के रूप में नहीं किया, मनुष्य के रूप में किया, जिसके साथ परमेश्वर है और पवित्र आत्मा की सामर्थ है। ठीक है। तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं। यदि वो परमेश्वर का पुत्र है और उसने किया तो फिर वो ऐसा कुछ क्यों कहता कि जो मैंने किया वो तुम कर सकते हो। और तुम इससे भी महान काम करती जाओगे। परमेश्वर के पुत्र के रूप में करता तो देखिए जैसे वो है, हम कभी परमेश्वर के पुत्र नहीं हो सकते। मैं कभी त्रिएकता का एक भाग नहीं हो सकता था, तो इसे कभी नहीं कर पाता। उसके लिए ऐसा कहना पूरी तरह से गलत होता। लेकिन उसने मनुष्य के रूप में काम किया जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और परमेश्वर उसके साथ में काम कर रहा था, और इसलिए वो कहता है मनुष्य के रूप में मैं इसे करता हूं। मनुष्य के रूप में तुम भी कर सकते हो, तुम भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और उसके अभिषेक से भर सकते हो और परमेश्वर तुम्हारे साथ में होगा और तुम भी इसे कर सकते हो। उसने इस तरह से कहा, ठीक है, हम जानते हैं कि उसने मनुष्य के रूप में ऐसा किया और इसलिए हम भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग इस तरह से कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये उनके लिए अभी समस्या है। वो कहते हैं मैं वो सब कुछ कैसे कर सकता हूं जो उसने कहा मैं कर सकता हूं, और उसने कहा कि इससे भी महान काम करोगे। वो इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि मैं कैसे कह सकता हूं, वो कैसे कह सकता है कि मैं उसके जैसे काम कर सकता हूं और उससे भी बड़े काम। समझने की कोशिश करें। एक तरह से वो इस तरह से कहते हैं कि वो एक काम नहीं कर सका जब यीशु यहां पर इस पृथ्वी पर था, और वो है कि किसी को नए जन्म में लेकर आए, उद्धार में लाए। क्यों? उद्धार पाने के लिए रोमियो अध्याय 10:9 कहता है अपने मुंह से प्रभु यीशु को अंगीकार करना है, ये एक बात है। दो, कि अपने दिल में विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, उसे मुर्दों में से जीवित किया। तो उद्धार कैसे पाते हैं? यीशु का अंगीकार करते हैं, उसे प्रभु अंगीकार करते हैं और विश्वास करते परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। यानी उद्धार देने के लिए यीशु को पहले मरकर जी उठना था, मरकर जी उठना था, फिर विश्वास करके अंगीकार करने पर आप उद्धार पाते हैं। जबकि यीशु इस पृथ्वी पर जी रहा था और वो मरा नहीं था, जी नहीं उठा था, इसलिए वो किसी को उद्धार के पास लेकर नहीं आ सकता। तो लोग कहते हैं हम पुनरुत्थान के बाद के समय में जीते हैं और इसलिए हम जाकर लोगों को बता सकते हैं कि यीशु को प्रभु अंगीकार करे और विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे जीवित किया, और इस तरह आप लोगों को उद्धार में लेकर आ सकते हैं। और ये तो महान चमत्कार है, ये तो लंगड़े को चंगाई देने से बड़ा है, कोढ़ी को शुद्ध करने से और मुर्दे जिलाने से भी बड़ा, क्योंकि ये तो सबसे महान चमत्कार है, ये नए जन्म का चमत्कार है। और यही तो हम प्रतिदिन कर रहे हैं। सामान्य विश्वासी भी दूसरे लोगों को उद्धार में लेकर आ सकते हैं और यही सबसे बड़ा चमत्कार कहते हैं। यही तो सबसे सरल विवरण है जो बाइबल पर विश्वास करने वाले विश्वासियों से आता है। मैं सहमत हूं, एक तरह से ये तो सच में सहमत होने वाली बात है, अच्छी है और साथ में सच है। लेकिन मैं सोचता हूं इसका अर्थ इस वचन से ही आता है। अगर आप इस वचन को देखें बाइबल के बारे में, यही तो अद्भुत बात है। अगर आप इस वचन को देखते रहें तो आप इसे जान पाएंगे, क्योंकि आंखों के सामने, और कई बार ये आंखों के सामने है इसलिए चूक जाते हैं। हम हर जगह देखते हैं लेकिन ये सामने है, और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर सामने है इस कहावत का जो अर्थ है, जहां यीशु ने कहा कि जो काम मैं करता हूं तुम करोगे और साथ में इससे महान काम करोगे। ये नई वाचा का सौभाग्य है जो हर एक को दिया गया है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये यहां ऐसा है। ये friend. I am accepted. I know who I am. I am secure. I'm confident that I